कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कुमारी शैलजा सरसा में से जीत कर जाती है तो ईवीएम ठीक थी और अब खराब हो गई, और जब कांग्रेस ने हरियाणा में 5 लोकसभा सीट जीती तब भी ईवीएम ठीक थी, और तो और उस वक्त तो कांग्रेस कहती थी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा में 5 सीट लोगों में भ्रम फैलाकर जीती। कांग्रेस के पास हार के बाद केवल ईवीएम का मुद्दा होता है। कांग्रेस अब कोई पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट हैं, कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, तो कोई सुरजेवाला गुट। कांग्रेस ने तो युवाओं के साथ धोखा किया और नौकरियां बेचने का काम किया। कैबिनेट मंत्री सरसा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि जिस तरीके से कहती है सरकार वो और इसी पर ने जो वायदा किया था लोगों से, बीजेपी को तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है के कांग्रेस में जाने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार से प्रेशर देश के अंदर बनी है, बीजेपी में लोगों का विश्वास के वरिष्ठ नेता है और बीजेपी में है इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रणवीर गंगवा ने कहा कि नया और एक व्यवस्था के तहत पहले दिन से ही जो कुछ भी होगा हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प पत्र है उस पे कार्य करने की शुरुआत कर दी। न्यूज़ फॉर यू के लिए माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने जैसे ही शपथ ली, मंच से उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम किया। हमारा वायदा था कि हम 2,00,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम करेंगे, ये क्रम आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से जो सामाजिक न्याय देते हुए जो DSC है डिप्राइड शेड्यूल कास्ट उसके अंदर भी वर्गीकरण की बात हमने वायदा किया था उनसे कि ये सामाजिक न्याय है। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी वंचित वर्ग को लाभ कैसे मिले इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था, वे हम उसमें वर्गीकरण करने का काम करेंगे और हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही उसमें वर्गीकरण करने का काम किया। और आज क्योंकि जिस दिन शपथ ली थी उस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती थी तो उस दिन तो नहीं मना सके थे, आज जहाँ महर्षि वाल्मीकि जयंती भी सरकार की तरफ से जींद के अंदर मना रहे हैं, वहीं जो DSC समाज है वो भी इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री का सरकार का धन्यवाद करने का काम कर रहा है कि आपने जो वायदा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। तो इस तरीके के है जो निरंतर हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, आज बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी रिजल्ट जो आए हैं जो चाहे महाराष्ट्र के हैं चाहे UP के हैं चाहे और दूसरी जगह के हैं वो दर्शाता है कि आज देश प्रदेश के और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने का काम कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है और NDA को पूर्ण बहुमत से भी बड़ा बहुमत मैं कहूँगा कि एक तरफा बहुमत के साथ जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनी है ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और जिस तरीके से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया विश्व पटल पे है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है उस पर विश्वास जो है प्रदेश की देश की जनता ने करके उसका ये आज जो है ये परिणाम हमारे सामने आया है। मैं वहाँ का जो महाराष्ट्र के जो हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे साथी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उनके नेतृत्व के अंदर जो है देश आगे बढ़ रहा है। सर भैया की स्क्रीनशॉट भी दिखाई गई है, 14 सीट उनको एक दिन पहले ही पता लग जाता है कि कौन सी सीट पर कैसा नतीजा आने वाला है, लेकिन वो बीमार थे इसलिए सार्वजनिक नहीं हो पाया। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं, कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाला का गुट है,
और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल गरीब लोगों से वोट उठाने के लिए एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार उनकी बनी तो केवल और केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। आज इसीलिए हर वर्ग के लोग कांग्रेस से जो है दूर होते जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों को मुआवजे के नाम पे 1.5 रुपए का चेक दे करके और वो उनके साथ बदा मजाक करने का काम करते थे, लोगों को याद है वो सारी बातें। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर और ये जो है बिखर के जो है रह जाएगी कांग्रेस पार्टी। ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी, उस टाइम जो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रम जाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए उनके एक भ्रम में कहीं ना कहीं लोग आ गए थे, इसलिए भी उनकी 5 सीटें आ गई थी। आज हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वार्ड स्तर तक जाकर के और लोगों को बताने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 में देखा किस तरीके से एमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज्यादतियाँ अंग्रेजों ने नहीं की थी वो उन्होंने यहाँ करने का काम किया, तो लोगों को बात समझ में आ गई। एक बार बहकाया जा सकता है, बार बार बहकाया नहीं जा सकता। ईवीएम का मुद्दा तो मैं अभी कह तो रहे कि ईवीएम के मुद्दे के लिए उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनके पास एक ही बात है कि ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने